देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ। राजधानी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 4 शातिर अपराधियों को धर दबोचा। वहीं एक आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। पुलिस ने आरोपियों से 3 मोटरसाइकिल और एक अवैध हथियार जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक साउथ राहुल कुमार लोढ़ा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी राजेंद्र उर्फ नानू सोनू बुनकर सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कमला नगर में 2 जगह में डकैती का प्रयास करते हुए 10 लोगों को पकड़ा है, 2 लोग उसमें भी फरार है। और इनसे पूछताछ करने के बाद में तो हाल फिलहाल में कोला रोड थाना क्षेत्र में पहुंचा। महिला को चाकू की नोक के पूरे घर में डकैती डाली गई थी, तो उसका भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने उसके अंदर पूछताछ कर जितना भी सामान गया था वो सारा बरामद कर लिया है। घटनाक्रम कुछ इस तरह था कि वो महिला के घर के सामने जो व्यक्ति रहता था उसके द्वारा राहुल से उसके द्वारा उसकी रेकी की गई थी, और उसके बाद में अपने साथियों के साथ मिलकर उसके द्वारा जो है वो उसके अंदर लूट कारित की गई है। पुलिस ने इन सभी आरोपियों को पकड़ लिया है और उन घटनाओं में भी इसकी जो है वो अरेस्टिंग करके जेल दाखिल कराई। खबर समय जगत के लिए भोपाल से केके शर्मा की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए खबर समय जगत के साथ।